ये रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो ये टमाटर की रेसिपी है। और ये रेसिपी मतलब बहुत ही कम मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाती है और इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग इंडियन मॉम चैनल लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो बहुत ही अलग रेसिपी है। आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा और पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी आज की जरूर पसंद आएगी। और ये रेसिपी मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन क्या हो रहा था कि मैं इसकी फुल रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रही थी। तो आज मैं बना रही थी डिनर में ये वाली चटनी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये रेसिपी आज शेयर ही कर दे। तो चलिए गाइस, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो भी न्यू हमारे चैनल पे आते हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, मेरी वीडियोज आप तक पहुंच सके। ये रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो ये टमाटर की रेसिपी है। और ये रेसिपी मतलब बहुत ही कम मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाती है और इतनी मज़ेदार रेसिपी है। और ये रेसिपी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ना तो इससे पहले कभी देखी होगी, ना खाई होगी, ना बनाई होगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मस्टर्ड ऑयल जो है मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, फिर मैंने उसमें मेथी दाना और हींग का तड़का दे दिया है। और इसको बहुत अच्छे से, मतलब जब तक क्रैक नहीं हो जाते तब तक इसको भूनना है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर हरी मिर्च है उसको मैंने कट करके रखा है, तो बस मैंने एक हरी मिर्च को दो पार्ट में करके कट किया है, तो इसको बहुत बारीक नहीं काटना है, तो इसको डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैंने इधर टमाटर जो है उसको धुल के अच्छे से फिर कट करके उसको भी, मतलब बहुत छोटे साइज में नहीं, मीडियम साइज में कट करके इधर रखा है, तो उसको भी डाल दूँगी। और इसको मैं भूनूँगी, और इसको मैं इतना भूनूँगी कि मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा मेल्ट हो और ना मतलब कच्चापन इसके अंदर रहे, बस थोड़ा बहुत ही सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही इसको भूनना है। और इसमें फिर मैं थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी, और इसमें फिर उसके बाद कुछ भी नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं ये सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, और इसको मैं एकदम तेज़ आँच पर भून रही हूँ। और इसको इतना भूनना है कि बस ये सॉफ्ट हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कि ये सॉफ्ट हो जाए एकदम से, और ना इसके अंदर कच्चापन रहे, बस इतना ही इसको मतलब भूनना है। उसके बाद फिर गैस ऑफ कर देंगे, फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये जो चटनी बनती है, इतनी टेस्टी चटनी बनती है कि मैं तो मतलब बहुत सालों से इसको बना रही हूँ, और इतनी अच्छी और इतनी यूनिक रेसिपी है कि मतलब झटपट बन जाता है, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता। अगर आपके घर में सब्जी नहीं है और आपने अगर सब्जी नहीं बनाई है, तो उसकी जगह अगर आप ये टमाटर की चटनी जो ये है बनाकर खाएंगे, तो आपको मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने मतलब कुछ मिस किया है खाने में। इतना टेस्टी मतलब ये चटनी बनती है। अगर आपको इसको आलू के पराठे के साथ खाना है, हम लोग तो मतलब ज़्यादातर इसको आलू के पराठे के साथ खाने के लिए ही इसको बनाते हैं चटनी, और ऐसे भी बनाती हूँ मैं, बहुत बनाती हूँ इसको। मुझे मतलब सारे टमाटर की चटनी में मेरा मतलब ये फेवरेट है, ये टमाटर की चटनी बहुत ही मतलब झटपट बन जाती है और बहुत ही कम मसालों में। देखिए, आपने खुद ही देखा होगा कि मैंने इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं ऐड किया है, और ये देखिए यहाँ पर ये ठंडा हो गया है। तो मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, बस थोड़े देर में ही ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो ये देखिए फाइनली हमारी टमाटर की चटनी यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है, और जितनी देखने में ये मतलब टेस्टी है, आप यकीन करिएगा उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। अगर आप लोग एक बार इसको बनाकर खाएंगे तो आप लोग यही कहेंगे कि पहले इससे मैंने क्यों नहीं बनाया ये टमाटर की चटनी, इतनी यूनिक और इतनी मज़ेदार रेसिपी है। तो आई होप ये वीडियो आपको और ये रेसिपी ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो भी न्यू हमारे चैनल पे आते हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके,
और मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मैं ऐसे बहुत सारे रेसिपी शेयर करती हूँ और आगे भी करूँगी। तो ऐसी रेसिपी देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।